नमस्कार, शाम के 4 बजने को है, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। प्रयागराज के मेजा में बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का दिव्य दरबार सजा है और इस दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ आई है। त्रिवेणी के तट पर लगे इस दरबार में भारी भीड़ देखी जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने संगम तट से हिंदुत्व की हुंकार भरी। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हर सनातनी हिंदू राष्ट्र भक्त बने। अगर सभी हिंदू एकजुट होकर एक दिशा में काम करेंगे तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता। बागेश्वर धाम महाराज ने आह्वान किया कि अब समय आ गया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। कृपा भई रघुनाथ की, सो हो गए तुलसीदास। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। चर्चा के पीछे मत भागो, चमत्कार के पीछे मत भागो, भागना ही है तो श्री हनुमान जी के पीछे भागो। केवल हनुमान जी ऐसे जो आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसलिए उनके पीछे भागो। लेकिन आप लोग भी नंबर एक के बदमाश, पर्चा के चमत्कार और चमत्कार के चक्कर में कई लोग धर्म का परिवर्तन भी कर लेते हैं। मेरे पागलों, सनातन धर्म में ही इतनी ताकत है, ऋषि परंपरा में। लोग कहते हैं कि ये पर्चा वाला दरबार क्या है, पूरे देश में चर्चा है। हम कहते हैं मेरे पागल, ये पर्चा का दरबार आज का नहीं है, महर्षि वाल्मीकि जी की पद्धति है यह पर्चा का दरबार। उन्होंने पत्र पर लिख कर रख दिया था, भगवान राम होंगे, रावण का वध करेंगे, सबरी के घर जाएंगे, वहीं से पर्चा के पत्र की परंपरा प्रारंभ हुई है। दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है। और जो हलीउल्ला कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है, आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा है और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे, जाओ आशीर्वाद है। इसीलिए तो धर्म विरोधी पीछे लग गए कि जो बाबा बड़ो खतरनाक है। पर आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। गंगा मैया की गोद में विराजमान हो। और हम आपको एक वचन दे देते हैं आज ही, आपके जो जो संकट और विपत्ति है आज से अब आपकी नहीं है। जो जो दरबार में श्रद्धा पूर्वक आए हुए हैं, आज से तुम्हारे संकट और तुम्हारी विपत्ति हमारे सन्यासी बाबा की है। देखो, हम तो कुछ भी नहीं है, ना हम भगवान है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई चमत्कारी आदमी है। हम तो बालाजी के चरणों के सेवक हैं। हमारी जो परंपरा 3 पीढ़ियों से चल रही है, हमें जो प्रेरणा लगती है वो हम लिख देते हैं। लेकिन हमने लाखों लोगों के मुंह से सुना, जो दरबार में आता है, ओम बागेश्वराय, ओम बागेश्वराय, इस मंत्र का जाप करता है, पर्चा बने या ना बने, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बालाजी की पेशी करना प्रारंभ कर देता, उनकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। कि इस वक्त दरबार लगा है और पर्ची देखने का सिलसिला शुरू किया है बाबा ने। एक शख्स को बुलाया है और उसके बारे में ये हमने कई बार ये तस्वीरें दिखाई हैं। और इस बार जो त्रिवेणी घाट पर जो इस वक्त बाबा का दरबार लगा है, वहाँ एक बार फिर पर्ची लिखने का सिलसिला है। ये शख्स बैठा है और इसके बारे में बाबा पहले ही सब कुछ लिख लेते हैं और फिर पूछते हैं कि तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, अपनी ये समस्या है, और फिर वो तमाम चीज़ें जो उसके मन में होती है उस शख्स के, उसके बारे में बाबा पहले ही लिख चुके होते हैं। और ये कारनामा कई बार इससे पहले भी करके दिखाया है बाबा बागेश्वर ने। उनका कहना है कि ये शक्ति मुझे बागेश्वर बाबा से मिलती है, क्या बोलते हैं, भगवान हनुमान से मिलती है।
बिटोला बोलता है। सही बोलो तो। बिटोला। आओ नजदीक। घर की उथल पुथल बंद होगी, बिटोला की जॉब कामना स्थाई है, जो पूर्ण हो जाएगी देवी अनुष्ठान करवा दे, नव चंडी का पाठ आशीर्वाद। आपको यही बोल रहा? बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही, बिल्कुल सही, यही पूछने आया। जी जी, जाओ पूरा होगा आशीर्वाद। सन्यासी बाबा की जय। हमारी आर्थिक गौ माता की जय। आर्थिक तंगी पर भी कृपा होगी। हम बहुत एक मिनट गुरु जी, बहुत हम मेहनत करते हैं लेकिन पैसा नहीं बचा पाते और घर में परिवार कोई साथ नहीं देता। पूरे परिवार आपका विरोधी बन रहा है, बहुत ज्यादा क्लेश भी मचा हुआ है, लगातार 7 साल से आप परेशान हैं। आपने पूर्व में भी अनेक जगह उपाय करवाए हैं, आराम नहीं लगा है। पूर्व में बेदी माता का भी आपने उपाय करवाया है, बेदी माता का हवन करवाया, उस विधान में भी आपको आराम नहीं लगा है। चूंकि आप देवी अनुष्ठान नवचंडी पाठ रात्रि काल में करवाइए, उन्हीं बेदी माता से ही दुष्टता के कारण कार्यों में विघ्न बन रहा है और 2014 से लगातार अपयश व आर्थिक तंगी बनी हुई है। आपका व्यापार काज 2023 के 8वें महीने से शुभ समय बन रहा है, जाओ आशीर्वाद। उम्मीद नहीं थी हमको। उठ जाइए। कब कराना है पाठ? पाठ कभी भी, पर धाम की पेशी अनिवार्य है। बिल्कुल 6 महीने में कर लीजिए। इसके बाद में आपके बगल में ये जो कोट वाले बैठे हैं इनको खड़ा कीजिए, चश्मा लगाए आपके पीछे वाले। जी श्रीमान जी, खड़े होइए आप। हम आपको बुलाएंगे नहीं, आप बहुत चतुर बहुत बुद्धिमान आदमी हो और अपने आप को बहुत तार्किक भी मानते हो और बहुत ऑब्जर्व बुद्धि से यहाँ पर बैठे थे दिमाग लगा करके। तो हम चाहेंगे कि पर्चा हमने लिख कर रख दिए हैं, तुम जिनको भेजते जाओगे उनका पर्चा निकलता जाएगा। और आपकी ये ताकत नहीं है, सुन लीजिए, आप जिनको भेजेंगे उनके पर्चा हमने ये लिख करके रख दिए हैं, 4 पर्चे। आप जिनको भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा और आप भेजोगे उन्हीं को जिन्हें हमारे सन्यासी बाबा ने जिनका पर्चा बना दिया। आपको हमारे पास नहीं आना है, आपको तो लोगों में जाना है और लोगों में जो आपके परिचित ना हो उनमें से किसी को भी आपको भेजना है हमारे पास और जिनका भेजोगे उनका पर्चा निकलेगा। हाँ, और तुम्हारी बुद्धि ऐसे ही धरी रहे, पढ़ाई लिखाई 0-0। तुम जितने होशियार बने हम उतने होशियार चढ़ती टेम हो गए थे जब हमारे भाई भाई में सिग्नल आए नकटा। एक पर्चा और हम लिखे ले रहे। माइक दे दीजिए इनको, माइक दे दीजिए। पहले कहां से हो? पहले पर्चा कहां से हो? इनका माइक चालू करो। साधु जी, हाँ जल्दी दो भैया, इतना टाइम नहीं है। बोलो साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो, बागेश्वर धाम की। आपको अपने अपने कैमरों पर जो भी व्यूज वाले आए हैं अपने कैमरों पर देख लीजिए, एक नंबर है ये, इसको आप जूम कर सकते हैं। ये एक नंबर का पर्चा है, ये 2 नंबर का पर्चा है, ये 3 नंबर का पर्चा है और ये 4 नंबर का पर्चा है। अब आप अपना पर्चा दे दीजिए। महाराज जी, मेरा नाम मानवेंद्र प्रताप सिंह है, मैं न्यूज नेशन न्यूज चैनल में संवाददाता हूं। जगह जगह पकड़ो रहा हां, यही से हम कुछ ना कुछ हमारे भाई भाई में भरा भरा रही है तुम्हारी। ठीक है, हमने 4 पर्चा बना लिख करके रखे, जिनको हम बुला रहे थे वो हमारे लोग हो सकते हैं, हमने बैठा दिया हो, बुला लिया हो, किसी से कह दिया हो, लेकिन ये जो 4 पर्चा हमने बनाए हैं ये आपके आधार पर लोग आएंगे और जो व्यक्ति आकर यहाँ बैठेगा पढ़ा लिखा पूछ लेना वो है कि नहीं। जिनको आप बुलाएंगे उनका ही पर्चा निकलेगा बिफोर टाइम लिखे रखे हैं। जाके बुलाना है, नाम लेके बुला नहीं, जाओ
नाम है तुम अपने बुला लगा है तुमसे ज्यादा अच्छा तो दो हम साधु जी दोनों हाथ उठाकर बोलो बागेश्वर धाम की। अच्छा बताओ सनातन विरोधियों की झटकी बन रही है कि नहीं बन रही है? अच्छा हिंदू राज के साथ कौन कौन है? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो झटकी कौन कौन मारेगा? अगर कोई संतों का विरोध करेगा तो झटकी कौन कौन मारेगा? और ये जो रामचरितमानस को फाड़ रहा उनकी झटकी पक्का? चलो हाँ कर लो नीचे काम है। कहाँ है छुप तो नहीं? चार लोग लेकर आ जाइए न्यूज नेशन वाले। साधु जी ठीक किया ये ठीक किया तब तक ये चार लोग ला रहे हैं तब तक और आगे हमारी जी लगा रहा है जिनकी बालाजी से लगा है। बोलो जय सिया राम। साधु जी हाँ तू आजा बेटा हाँ कुर्ता और ये पहन पहन आजा आजा आप जाइए चारों लोगों को यही खड़ा कर देना सामने उनके जो चार लोग आपको यही खड़ा कर आप लोग खड़े हो बैठ जाओ बैठ जाओ तो हम ज्यादा देर तक बैठेंगे तुम चाहते हो कि हम ज्यादा देर तक बैठे बैठ जाओ वो वाला माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए माइक माइक जी गुरु जी सीताराम जय श्री राम। कहां से आना हुआ? हलिया मिर्जापुर से गुरु जी। पहली बार आए हैं? जी गुरु जी। नियम का पालन करते हैं? जी गुरु जी। गुरुजी ऑन ड्यूटी हैं लेकिन आपका नाम सुने फिर आना पड़ा। गुरुजी क्या करते हो? गुरुजी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। गुरुजी वाह नजदीक आओ बोलो क्या बात क्या चाहिए? हां बालाजी का हमें पूछो क्या प्रश्न? घर में उन्नति हो माँ बाप सही रहे खुद भी अग्रसर पथ अग्रसर के पथ पे अग्रसर हो जाए। हमने सफलता मिलती रहेगी अग्रसर रहेंगे उन्नति रहेगी घर पर आशीर्वाद है घर में माता पिता पर भी कृपा बनी रहेगी उनका नाम है गुरु जी। गुरु यही है बोलो सीताराम जी गुरु जी सिर का दर्द बनता है जी गुरु जी सिर दर्द में लाभ होगा जी गुरु जी एवं आपके जी गुरु जी घुटनों में दिक्कत है जी गुरु जी सूजन बन जाती है जी उनको झाड़ा लगवाने के लिए धाम पर ले आना बालाजी के दर्शन करवा देना जी गुरु जी निश्चित रूप से आप अपनी जॉब में बहुत आगे बढ़ोगे जी गुरु जी। चलो वो जो भी चार लोगों को भेजे सामने खड़ा कराना है वो जो भी चार लोगों को भेजे सामने खड़ा खड़ा करना है। सबसे लास्ट में जो हनुमान जी वाला झंडा लिए पीला वाला एक तो आप आ जाओ और आपके पीछे में आपके पीछे में एक बालक खड़ा है
जिसका नाम कृष्णा है वो भी आ जाएगा जिस शिकार में। आप चार लोग हैं, वो कहां गए हैं जो लेने गए थे? आप यहां आ जाइए, आपने चार लोगों को भेजा है, यही खड़े कर माइक दीजिए, इनका माइक माइक कर दीजिए। आपके चार लोग कौन से हैं श्रीमान जी? आप नहीं बताएंगे वो बताएं। कौन से हैं आपके चार लोग? कौन से हैं चार लोग? ये हैं लेडी हैं, दो तीन, एक कौन है और एक ये बच्चा है। ठीक है, ये चार लोग हो गए, यहाँ खड़ा कर दीजिए। सबसे पहले आप किनको भेजना चाहेंगे? सबसे पहले आप किनको भेजना चाहेंगे? चार लोग, आप किसको भेजना चाहेंगे? रोगी को वहीं बैठा दीजिए, सात सालों का भेज दीजिए हमारे यहाँ से। यहाँ क्या क्या जी, किसी को नाम लेके बुला सकते हैं, कोई इंतजार कर रहा हो तो? ऐसे कैसे? आपके परिचित नहीं? परिचित नहीं, परिचित तो पहले। बुद्धि ज्यादा है, हम भी गुरु जी हैं, ठठरी वाले हैं। महाराज जी हमने किनको भेज रहे हैं? भेज दीजिए पहले नंबर पर। दादाजी आप भेज जाइए, इनको भेज जाइए। अच्छा, उनको कौन से नंबर का पर्चा निकालना है ये भी आप बताएंगे। ये रखा पेन, हम तो दफ्ती भर कर उसको रखेंगे, ये भी आप बताएं। पढ़े लिखे हो आप, भेज दीजिए ऊपर आ जाओ, ऊपर पढ़े लिखे हो, इधर आ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, माइक ले लो। कहां से आए हो? बिहार खगड़िया जिले से आया। नजदीक आ जाओ, बहुत नजदीक आ जाओ। पूछो क्या पूछवे आए बाबा जी से, क्या प्रार्थना करवे आए मालिक से? बाबा हमारा लड़का बुरी तरह से परेशान है, डॉक्टर को सूचना है, क्या हो गया है? कह रहा है नस में खून कर रहा है। अच्छा, कहां है पत्रकार महोदय? इनके लिए कौन से नंबर का पर्चा चाहिए? एक नंबर, ये एक नंबर आपको दिख रहा है? आओ दादाजी नजदीक। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। यही खड़े खड़े घर पर बेटे को बीमारी बनी है, ठीक होगा पर समय लगेगा, नसों में दिक्कत है, खून आराम लगेगा, ब्लॉकेज है, चल चल पाता, परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा, आशीर्वाद है। ये मंत्र है कि 3 माला धान की पेशी करनी है, डॉक्टर ने मना कर दिया, ये मंत्र है बड़ा है लेकिन 3 माला इसकी करनी है, हम झाड़ा लगा देंगे, भभूति वहां से ले लेना। अगला नंबर आ जाइए, जल्दी भेजना, इनके बालक की मुट्ठी बनवा दीजिए, इनका जो बालक है ना उसकी हाथ की मुट्ठी बनवा दीजिए, जो रोगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह, डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।